16 किलोमीटर और छुट्टी का दिन है, मौसम बहुत ही बढ़िया है, तो हमने घूमने का छोटा सा एक ट्रिप बना लिया है। हमें पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा और फिर वापस आने में 1.5 घंटा, तो मैक्सिमम 2 ही घंटे हम वहाँ पे घूमेंगे। तो ये रहा कुछ मौसम। मुझे पता नहीं लग रहा है, मुझे जबरदस्ती ये लोग यार इतना अच्छा लग रहा है, देखो यार बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो अभी हम पहुंचे आधे रास्ते में। कहाँ पहुंचे हैं अभी? तो हम बड़ी दूर हैं यार यहाँ से, अभी हमें फिलहाल तो 1 ही घंटा तो लग ही जाएगा। 1 घंटा यस। और कहाँ पहुंचे? जाहू में? नहीं, जाओ तो अभी यहाँ से है 15-16 किलोमीटर। यस। आपको गर्मी तो लग रही ज़्यादा? यहाँ पे गर्मी है, मैंने ये पहन ली, गर्मी लग रही है। सही में हम दिन के टाइम में ऐसा थोड़ा सोच के आए थे कि इस साइड ज़्यादा गर्मी लगती है। हाँ, इस ज़्यादा है वहाँ से हमीरपुर के मुकाबले, तो शायद कोई ना शाम के टाइम थोड़ा ठीक हो जाएगा। पहुँचते हमें मुझे लगता है 12:30 या 1:45 हो जाएगा उधर, और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल मुझे याद नहीं है, मैं वैसे हमने बताया नहीं हम जा रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग बनाए जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं रिवालसर लेक जो मंडी में है। और आप गए पहले? नहीं, मैं तो आज तक नहीं गया हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। और मैं 9th में गई थी जब हमारा स्कूल का ये गया था टूर, गया यहीं से गया। मैप में भी चेक करना पड़ रहा, नहीं तो हम कहीं गुम हो जाएंगे। नेविगेशन का पूरा जिम्मा आपके ऊपर है, अगर कहीं रोड भटक गए तो। मुझे याद आ गया है अपना जो 9th का ट्रिप था, ये तो मुझे पूरी याद है। भाई देखिए हम पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं 2-3 मिनट में। नगर पंचायत रिवालसर में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो यहाँ पे कटेगी पर्ची मुझे लग रहा है। हाँ, उधर वैसे पार्किंग बाहर भी कर सकते थे, पर क्यों ऐसे ही रिस्क लेना ना? ये भी ठीक है, इसे अच्छा अंदर पर्ची कट के थोड़ी सेफ तो रहेगी गाड़ी। बाहर है वैसे, पर भीड़ बड़ी ज़्यादा है बाहर, बड़ी बड़ी गाड़ी लगी और ये लोकल ही लगी सारी टैक्सी। यहाँ से अंदर है तो कितने? 30 रुपये की कटी। यहाँ पे बच्चों का ट्रिप आया, मुझे अपनी स्कूल ट्रिप की याद आ रही है। आप भी ऐसे आए होना, जब इतने इतने होना है ना, थोड़े बड़े होंगे। फाइनली पहुंच चुके हैं रिवालसर में। लेक तो कहीं दिख ही नहीं रही, लेक आगे है, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, हमने गाड़ी को पार्क किया और अभी जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे, अभी मना किया हुआ है ना, दिख रही है कि क्योंकि पहले यहाँ पे आटा वगैरह खिलाते रहते थे मछलियों को। जब हम आए थे हमने बिस्किट वगैरह खिलाए थे यहाँ पे, और वहाँ पे वो मना कर रहे हैं वहाँ से सीटी मार के जो यहाँ पे गार्ड हैं। तो यार हर कुछ व्यू है यहाँ पे देखो, और ये रही रिवालसर लेक। क्या तो आपको थोड़ी छेड़ेगा वो, तो आपका जानने वाला नहीं है क्या वो? ये भगवान क्या जुल्म है, आपको थोड़ी छेड़ेगा यार। स्विमिंग कर रहे हैं यार, इनको कितना मजा आ रहा है, देखो इनके ऊपर पानी नहीं टिकता है ना। तो अभी हम यहाँ पे 2-3 मंदिर घूमने के बाद ही यहाँ पे हमें बतक, ये जो बतख हैं, हाँ, तो ये बड़े ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि पहले हम वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद ही ऊपर जाते हैं जो स्टैचू है। इनको आया था यार लोगों की यहाँ पे देखो, हाँ बड़े अच्छे से सुंदर तरीके से बैठे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब एक छोटा सा सांप भी घूम रहा था यहाँ पे, फिर अंदर भाग गया।
हाँ बतख ही है, वो छोटी वाली है ना, वो चलेगी, वो कहाँ चलेगी इतनी दूर। बोलते हैं अभी, वैसे मैं भूख लगी थी, अब भूख नहीं लग रही, ये सब देख के मन नहीं कर रहा है। हम सारा घूम लेंगे, उसके बाद दिखाएंगे। हाँ सो सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि इसमें तीनों धर्मों का संगम है, हिंदू, बौद्ध और सिख का, क्योंकि यहाँ पे मंदिर भी है, शिव मंदिर वगैरह भी हैं, और मनिस्ट्री भी है आपकी, और गुरुद्वारा भी है। तो ये रहा रिवालसर का इतिहास, आप इसमें भी पढ़ सकते हो। बंदे उतरा मेरे सिर के ऊपर। तो अभी लोकल मार्केट का नज़ारा, तो देखते हैं अब क्या क्या। एक्चुअली हमारे फ़ोन की बैटरी भी कम है, थोड़ी सी ये दिक्कत हो गई हमें कि हमने अपने फ़ोन को चार्ज नहीं किया गाड़ी में। और चलो देखते हैं अब जैसे जैसे जितनी भी बनेगी वो बता, वो पता है। तो अभी तक नहीं पहुँचे, ये बहुत ऊपर बना थी, ऐसा लग रहा है लोगों के घर को जा रहे हैं, कुत्ते बांधे हुए सबने, खतरनाक खतरनाक वाले पाले हुए सबने। चलो पहुँचने वाले हैं, वैसे तो है तो सीधा रास्ता ऊपर को। तो पसीने पड़ गए यहाँ पहुँचते पहुँचते, हमें अंदर गए हम, अंदर हमने थोड़ा सा बनाया, अभी हम जाएंगे बड़ी वाली स्टैचू वहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ से रास्ता। और नीचे पैदल चल के, तो ये सारे घर है जितने भी दिखने आते हैं, यहाँ से लोगों के रास्तों से आ रहे हैं। तो ये यहाँ से दिखाता हूँ, दीक्षा को यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि ये इधर की है, वानर साले का खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी तोड़ साले का। डर के लिए नाम मेरा इलाका है। चलो कोई बात नहीं, बड़ी शांत जगह होती है यार, इसी मूर्ति की छांव पड़ रही है, इसी की। तो ये था स्टैचू, फ्रंट व्यू इसका अच्छे से आ नहीं रहा, इसलिए बार बार हमें पीछे से बताना पड़ रहा है। काफी बड़ी है ना। तो फिर कितनी देर लगाई हमने यहाँ पे? बहुत देर लगाई, और बहुत अच्छा लग रहा था जो स्टैचू की, मतलब ये छांव टाइप सी पड़ रही थी ना शेड से, उसके नीचे बैठे हुए थे हम थोड़ी देर को, और यहाँ से हमें धीरे बोलना पड़ता है, कोई भी लोग शोर नहीं कर रहे। बिल्कुल सारे बिल्कुल शांत हैं बिल्कुल, और लिखा भी हुआ जगह की कृपया शांत रहें। और लास्ट बार दिखा देते हैं, काफ़ी अच्छा रहा, शांति। चलें फिर। तो भी खाना खाने आ चुके हैं यहाँ आके, मतलब आपने मोमोज ट्राई नहीं किए, सबसे अच्छे होते हैं इनके मोमोज, तो हमने मोमोज और थुक्का ऑर्डर किया। फिर खाते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे, क्योंकि फ़ोन की बैटरी तो जाने वाली है। इससे पहले कि मेरा, इससे पहले मेरे मुंह से पानी गिर जाए। तो भी हम खा लेते हैं थोपा के साथ है मोमो, साथ में सोया। सो पेट पूजा करने के बाद अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, और ऐसे धूप लगी है ना। पेट पूजा हमने कुछ ज्यादा ही कर ली। हाँ, पर बहुत टेस्टी। क्या लिखा है यहाँ पे? कृपया मछलियों को बिस्कुट आटा ना दे यहाँ पर, पहले ऐसा होता था कि यहीं से खरीदते थे और यहीं मिलता, और मछलियाँ उसी का वेट करती हैं यहाँ पे कि हमें कुछ खिलाएंगे। देखो जैसे लोगों को देख रही है वैसे आ जा रही है इकट्ठी साइड में। ये तो पूरे से
ऐसा जैसे लोगों को देखती हैं तो ऊपर आ जाती है ना, क्योंकि इनको पता है कुछ खाने को देते रहते हैं लोग। तो मज़ा आ रहा है सर, मेरे को ऐसा लग रहा था कि हम ना बहुत ज़्यादा जैसे ऐसे पहुँच गए दिन के टाइम में, मतलब 1-2 बजे तो बहुत ज़्यादा धूप हुई गाड़ी में तो लग रही थी, तो जैसे हम यहाँ पे पहुँचे तो काफ़ी अच्छा मौसम था। देखो कैसे आ रही है खाने की, चलो वहाँ चलते हैं आगे। तो यहाँ पे फोटोग्राफी पॉइंट है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठने को भी, यहाँ पे पेड़ वगैरह है, पिकनिक मनाने आए लोग, देखो है ना अच्छा स्पॉट बनाया है। अच्छा ये कि बिल्कुल ठंडा था, शांत सा। यार मछलियाँ देखो कितनी हर जगह ही, और देखो मुंह कैसे खोल रही हूँ ऊपर की साइड, वो करके क्या हमें खाने को देंगे कुछ, देखो मुंह कैसे खोल रही है। खा जाएंगी फोन क्या, देखो बंदर का बच्चा का उम्र कुछ टमाटर, और आगे बैठ जाओ और आगे बैठ जाओ, जाओ जाओ नहीं मारेगी चौंच, जाओ आगे जाओ तो सारी बत्तखें ऊपर आ गई। हाँ तो इनको लग रहा है कुछ खाने को देंगे, तो भी कर रहे हैं कड़ाई कड़ाई। देखो यार कितनी सारी मछलियाँ आ रही हैं, इनको लग रहा है खाना देंगे खाने के लिए, पर दे नहीं सकते हैं क्या है अब, सब घूम लिए फिर लिए चलें, खा लिया पेट पूजा होगी अब चलते हैं वापस। कैसा रहा? बड़ा मजा आया यहाँ आके यार, कुछ मतलब इतनी गर्मी में इतनी अच्छी हवा चली हुई है, मस्त वाली मजेदार। तो चलते हैं की तरफ क्योंकि काफी टाइम हमने यहाँ पे मजे मार लिए सही में बहुत। और सनसेट देखो ऊपर से यार, सनसेट तो क्या मतलब सूरज वहाँ ऊपर से मूर्ति के पास पड़ रहा है पूरा ऊपर, देखो। तो फिर बाय बाय करते हुए यहाँ को, यस एक दिन का ट्रिप बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक जू भी है, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, यहाँ पे 4-5 हिरन वगैरह है, ऊपर शायद थोड़े से होंगे तो अभी हम ऊपर जाएंगे नहीं। हाँ वैसे इसमें लिखा है कि मिनी जू है, तो मतलब छोटू वाला जू है, बाहर से दिख ही जा रहा है वैसे, 3-4 पिंजरे साइड है और वहाँ पे हिरन दिख रहे हैं सामने, तो अभी सोच रहे हैं कि बंदर तो आपको दिख ही रहे हैं। हाँ तो निकलते हैं अभी क्योंकि इधर से दिख ही रहे हैं हिरन, तो यहाँ से 4-5 और बंदर भी आपको दिख ही रहा होना वो सामने। लग रहा है मुझे पता, तो फिर चलते हैं यहाँ से, और लोग को भी यहीं पे एंड कर लेते हैं, मुझे लगा काफी बड़ा हो गया है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल बहुत सुबह से बना रहे हैं तो मतलब आधे आधे घंटे से ऊपर ही होगा, बैटरी चली गई है। सो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, आई होप आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग काफी पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट एक बनता है करके जाएं इतनी मेहनत के लिए, और बाय 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 बाय।